उमलिंगला जाना है तो जाना है बुलेरो को लेकर के। दो दिनों के बाद यार सीरियसली गाड़ी में क्रूज लगा है, इतना अच्छा रोड है। इसकी रील हमने बहुत पहले देखी थी भाई, इंस्टाग्राम में फेमस हुई थी। ये वाले जो टापू टापू से बने हुए ना, और ये है नेक्स्ट लेवल फीलिंग भाई। यहाँ पे पीली सीली नहीं आ पा रही क्योंकि ओरिजिनल प्लेस नहीं है ये, तो इन्होंने बहुत से स्कूटर बना दिए। आज हमने गाड़ी चलाई है 226 किलोमीटर वाले कंटिन्यू। गड्डी देख ले ठीक है, सिर्फ नहीं और सारे ऊपर ऊपर ये इतिहास ही आए। तो मैं बताऊं भाई तू सिर्फ ना करते खराब काम भाई, आता ऐसे ऐसे भी नहीं करे जा रहे ना सेट है, फिर उसके बाद एक एक कॉफी पियेंगे। ओए होए होए होए, शूज खोल करके ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे खाना खाया जाएगा। दो चाय, राजमा और चार ब्रेड, सैंडविच दो पीस ओनली। मैगी देखो भाई 90 रुपए की मैगी, 90 रुपए का सैंडविच, 150 रुपए के राजमा चावल। तो हाई एटीट्यूड में आओगे ना भाई आपको ऐसे ही मिलेगा ब्रो। तो भाई फाइनली खाना वगैरह खा करके हम आ चुके हैं, 350 रुपए का बिल बना। अभी अमन पता क्या करने जा रहा है, अमन जा रहा है कारिस्तानी करने। बोलता भाई यहाँ पे स्टिकर लगाने। ओ भाई तो स्टिकर लगा के मानेगा क्या? अरे बोलता भाई बॉल खाली है और स्टिकर दिख रहे हैं, बोलता मैं भी अपना स्टिकर लगाऊंगा। मैंने लगाया भाई भाई हाँ, अब इसे स्टिकर नहीं निकलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये भाई तेरा स्टिकर नहीं निकलेगा, दिखाइए। स्टिकर ऐसा लगना चाहिए ना कि दूर से दिखे हो, ग्रीन से कलर का। देख देख मुझे पता, देख 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 लगा दू तेरा नीचे स्टिकर। चलो भाई अच्छे से हाथ मारो इसको। ये चलो भाई ये हमारा ना निशानी रहेगी, अब नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा यहाँ पे खाना खाने के लिए तो आपको मेरा स्टिकर वहाँ लगा हुआ दिखेगा। वो देखो भाई यहाँ पे ये अमन ने लगाया भाई। और आप ये जो व्यू देख रहे हो ना, ये जा रहा है पैंगोंग, और पैंगोंग का व्यू भाई सीरियसली यार बहुत अच्छा आ रहा है। ये सारा पहले यहाँ पे मुझे लगता है पानी हुआ करता था अमन, है ना? पूरा नीचे क्या जबरदस्त व्यू है। अब आ रहा है वैसा ही व्यू जैसा कि हमने मूवियों में देखा है, पहले हमने मूवियों में देखा था, आज रियल लाइफ में विजिट कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का है। अभी कुछ एक बाइकर्स मिले थे जो कि अपना नुब्रा वैली करके आए थे, नुब्रा वैली हुंदर और सैंडियूस घूम के आए थे। वो बोल रहे थे अच्छा व्यू आप भी जाओ वहाँ पे, बट भाई मेरा ना मेन गरारी वहीं अटकी हुई है। उमलिंगला जाना है तो जाना है बुलेरो को लेकर के, पता नहीं क्यों भाई वहाँ से मुझे कुछ एक्सट्रीम लेवल का प्यार है जब से मैंने देखा कि वो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड बना हुआ है। तो मज़ा आएगा भाई जाने का वहाँ पे भी, मुझे ऐसा रोड मिल गया होता है अभी तक पता नहीं हम कहाँ पहुँचे होते। रोड ए क्लास है भाई, बीआरओ का जो काम है ना भाई सच में देखने लायक है। और गाड़ी हमारी 80-100 के आसपास भाग रही है, पर हवा का प्रेशर बाहर बहुत ज़्यादा है। अमन ने अभी खिड़की खोली है, हाथ बाहर निकाला है, बट हवा का प्रेशर एक्सट्रीम लेवल है। गाड़ी अभी 100 है, इसको मैं अभी क्रूज़ पे डाल रहा हूँ भाई। तकरीबन कितने दो दिनों के बाद आज गाड़ी को क्रूज में डाला जा रहा है भाई। यहाँ पे क्रशर है रोडी के लिए, यहाँ पे क्रशर का काम हो रहा है भाई। दो दिनों के बाद यार सीरियसली गाड़ी में जो है क्रूज लगा है, इतना अच्छा रोड है। अभी अपना व्यू का मजा लो म्यूजिक के साथ। ये क्या सा रोड है भाई, भाई साहब लैंडस्लाइड हुआ होगा, रोड बड़ा डेंजरस है। पर एक गाड़ी उस साइड से आ रही है, दूसरी गाड़ी यहाँ से, बंदा निकलेगा कैसे मेरे भाई, हाउ इज इट पॉसिबल? पर वो जो भी है ना भाई नेक्स्ट लेवल है, ये देख लो यार। देखियो ना तो भाई इसे लद्दाख खड़े रोड था खतरनाक थे भाई, थाले का सब गुस्सू जहाँ था रोड था नहीं सर। वी आर कंटीन्यूअसली इस काम के ऊपर लगा हुआ है कि आम आदमी को फैसिलिटी मिल सके।
अपना माइक वगैरह जो है चार्ज हो चुका है। यहाँ पे देखो भाई लोग पत्थरों की क्या निकासी कर रहे हैं, अच्छा पत्थर तोड़ रहे हैं भाई, सारा दिन पत्थर तोड़ेंगे। मुझे ऐसे रोड्स में ना गाड़ी चलाने का बहुत फील आता है यार, मजा। तो सब अपने अपनी तरह से इंजॉय कर रहे हैं, हम अपनी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। हम भी अपने कहीं पे टेंट वगैरह लगा करके खाना वाना बनाएंगे। हाँ मैं देख के चल रहा हूँ मेरी जान। अच्छा ये पहले ऊपर से था रोड, फिर बादल बुदल फटे होंगे और ये रोड नीचे से पूरा गंदा हो गया। वैसे ठीक है यार, हमने यहाँ पे आने के लिए ना यहाँ पे खड़े होके फोटो खिंचवाएं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैंने यहाँ पे झाड़ियाँ देखी बहुत अच्छी सी, अमन को मैंने लगा दिया काम पे, मैंने झाड़ियों के बीच में खड़े हो जा और मेरे वीडियो का एक शॉट ले अच्छे से। तो अमन को मैंने खड़ा किया वहाँ पे, ये देखना अभी आप, वो बना रहा है वीडियो। अब देखते कैसी वीडियो आएगी इसके वाला। छाँव में खड़े हो जा ना जी, छाँव में नहीं खड़े होना, बंदा खड़ेगा धूप में, ये फ़ायदा होता है भाई। क्या मस्त लग रहे हैं ना भाई झाड़ियों के बीच में से गाड़ी को निकालते हुए, ऑसम। अमन को छोड़ दिया मैंने काफ़ी पीछे, बस अब मुझे पीछे लेके जानी पड़ेगी गाड़ी। ये होता है भाई मेहनत वीडियो बनाने के लिए। आपको पता है हमारी गाड़ी अभी भी सेट नहीं आई है, इसका जो RPM है 1.5। अदरवाइज कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी। भैया भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये हो रही है कि करंट लग रहा है बार बार, जितनी बार भी मैं गाड़ी के साथ टच कर रहा हूँ ना बार बार करंट लग रहा है। और ये बाइक वाले फिर आ गए, कभी रुक रहे हैं कभी जा रहे हैं। भाई सीन यही सीन हमारा भी है, कहीं रुक रहे हैं कहीं जा रहे हैं, खाना खाते खाते चिल मोड करते करते अब करें भी क्या। ये देखो ये बोतल यहाँ पे टेढ़ी हो गई है भाई, मेरी पैंट इसमें भी डीजल लग जाएगा, मेरे को बड़ी स्मेल सी आ रही है अब डीजल की। वो बहुत खतरनाक वाले रोड आए हैं अभी, बिल्कुल जैसे सांप बनता है ना, सांप सांप बैठा होता है बस उस तरीके का भाई, पूरा घुमावदार, नीचे से ना सिर घूम गया गाड़ी घुमा घुमा करके। और पेंगोंग लेक का रास्ता बचा है 2 घंटे 57 मिनट और कवरेज करना है हमने किलोमीटर 137। BRO जहाँ जहाँ है, विकास वहाँ वहाँ है। बुलेट साफ क्यों कर रहा हूँ पता है? वो ये क्या हो गया? अच्छा वो लगा हुआ था ऐसे गंद था है। बुलेट साफ पता क्यों कर रहा हूँ? ताकि जब हम कैमरा आगे लगाएं ना व्यू बहुत अच्छा है। और नीचे एक बार नज़र घुमा के देखो भाई, व्यू क्या आलीशान व्यू है। और यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, प्लस एक बार इन पहाड़ों को देखो आप ना, मज़ा आ जाए फिर बताना। इस व्यू के लिए तो भाई 21 टॉपों की सलामी चाहिए। सबसे पहले गाड़ी की सफाई, बाकी काम बाद में। शीशा और बोनट, ये दोनों चीजें साफ होना बहुत जरूरी है। हाय हाय हाय, ठंड है भाई, इतना चिड़ पानी है ना इस लेक का। ये इस व्यू की बात कर रहा था, देखा बोनट अब अच्छी साइन कर रहा है ना, आपको मजा आ रहा होगा देखने में। यही मजा मैं सभी को देना चाहता हूँ, आपको गंदा गंदा फील ना हो, अच्छा अच्छा फील हो जब आप व्यू देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे। इसकी रील हमने बहुत पहले देखी थी भाई, इंस्टाग्राम में फेमस हुई थी। ये वाले जो टापू टापू से बने हुए हैं ना, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हमने रील्स बनाई है। अब पता नहीं बनी कैसी है कैसी नहीं, तो देखते हैं। पानी है और ये है नेक्स्ट लेवल फीलिंग भाई, यहाँ पे बाइकर्स भी रुके हुए थे। जब भी आप ऐसे प्लेसेस में आते हैं ना, तो आपके पास एक खुरापाती चीज़ होनी चाहिए, और उस खुरापाती चीज़ का नाम है ड्रोन। अगर वो है ना ज़िंदगी में, तो आपका ट्रैवल सफल है ये समझ लो। भाई लोग के पास ड्रोन है, अब ना चिन मार रहे हैं भाई। चलो ठीक है, हमारे पास Insta360 है, हमने व्यू को व्यू दिखाया ना भाई। Insta360 के व्यू के लिए थोड़ा सा टाइम और लगेगा,
बट दिखेगा भाई। भाई जब भी आप ट्रैवल करते हो ना, ट्रैवल के दौरान आपको क्या देखने को मिलता है भाई? वही जो सीनरी है, थोड़ी देर रुके, फोटो खींचे, आगे चल दिए। बस आज के लिए यही चल रहा है लाइफ में, जल्दबाजी हर जगह है भाई, हर जगह फास्ट काम चाहिए। अगर कहीं हॉस्पिटल गए वहाँ भी फास्ट काम चाहिए, कहीं सरकारी दफ्तर गए वहाँ भी फास्ट काम चाहिए, खाने के लिए बैठे वहाँ भी काम फास्ट चाहिए, ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ भी फास्ट चाहिए। भाई आजकल ना सारी दुनिया को फास्ट काम पसंद है। और मैंने उनका नाम बोला भी था कि पुगा वैली कुछ ऐसा सा था भाई, कुछ अनाउंस पुगा वैली हाँ कुछ ऐसा सा सिमिलर है भाई। अगर आपको पता है तो आप हमें बताओ यार। मज़ा आता है जब आप लोग कमेंट्स करते हो और ये सब नज़ारे फिर आप वीडियो के थ्रू देखते हो और हमें कमेंट करते हो। कमेंट अच्छा हो चाहे बुरा भाई, कमेंट तो कमेंट है, आने दो, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम पहुंच चुके हैं पैंगोंग लेक, पैंगोंग 13,800 फीट ऊपर। देखते भाई क्या क्या नजारा है। लेक का मैंने देखा भी नहीं अभी, जैसे नई दुल्हन को देखते हैं ना, एक्साइटमेंट रहती है, कुछ वैसा सा सीन है। अमन आ जा, ये तो लड़का निकलता नहीं है बाहर भाई। टाइम भाई मेरी तो घड़ी की बैटरी भी गई, 6:42। ये तो भाई वही वाला सीन हो गया, स्कूटर है यहाँ पे तो रखे हुए है। अमन स्कूटर रखे हुए यहाँ पे, ये क्या हुआ? ये तो एक ही था मैंने मेन, मुझे लगता है फिर आगे होएगा। अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं। अरे वाह भाई, इस लेक का कलर ना सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और होता है। लेवल नेक्स्ट लेवल क्लियरिटी है पानी में, पूरा साफ है भाई। अभी तो अगर दोपहर के टाइम या सुबह सुबह आएंगे ना मन, फिर देखने को मिलेगा भाई यहाँ पे ओरिजिनल व्यू। पर अभी उस टाइप का व्यू नहीं आ रहा यार। व्यू कौन से जगह से अच्छा आता है इस लेक का? मैंने सुना है कि भाई एक जगह है जहाँ से इसका व्यू बहुत ही अच्छा आता है। अभी मैं और अमन भाई एक ही बात कर रहे हैं कि भाई पता क्या सीन हो रहा है, इतनी एक्साइटमेंट थी कि हम यहाँ पे जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी पता क्या सीन हो गया यहाँ पे, अभी वो फील सा थोड़ा खत्म हो गया यार, गायब हो गया। अरे एकदम से पता नहीं क्या हुआ, यानी कि कुछ हुआ है, कहीं और चलते हैं। एक जगह है जहाँ से बिल्कुल साइलेंट मोड है, कोई ना आता कोई ना जाता, व्यू एक लास्ट साइड में गाड़ी खड़ी करेंगे, खाना बनाएंगे, वहीं बैठेंगे जाके। भाई स्कूटर इकट्ठे हो गए यहाँ पे, स्कूटर का 50 और तीन लोग बैठेगा ना, 100 तीन लोग बैठेगा, 100 वो मूवी में तीन है ना, अगर तीन हो गया फिर जबरदस्ती ऐड कर दिया। अब चार चाहिए बोल के, तो हमारी तरफ से तीन तीन तीन। अब जिसके पास दो ही बंदे हैं वो क्या करेंगे? दो बंदे हो तो दो खींचो ना, वो दो का। अच्छा इसका अलग पैसा है, इसका अलग पैसा है, दो का। नहीं फाइनली मुझे अब पता चला भाई फील क्यों नहीं आ पा रहा, फील इसीलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि ओरिजिनल प्लेस नहीं है। जो ओरिजिनल है वो 13 किलोमीटर आगे भाई, हमने तो यहीं पे खड़े होके बस चिल बिल कर लिया था। 13 किलोमीटर आगे भाई, ये तो इन्होंने बहुत से स्कूटर बना दिए। स्कूटर का 50 रुपये और जो बम्प है उसका 30 रुपये पर पर्सन। ये सॉल्टेड लेक है और यहाँ का कलर ना अलग अलग कलर चेंज करता है भाई, कभी ब्लू, कभी ग्रीन, कभी कुछ। और वो जो आप पहाड़ी देख रहे हो ना वहाँ पे, वो पीछे वो है चाइना वाली पहाड़ी, वहाँ पे हमारी जो है भाई बोटें खड़ी रहती है, पेट्रोलिंग करती है, जो हमने पीछे देखी हुई, हमने कैमरा में रिकॉर्ड नहीं करी, तो वहाँ पे पेट्रोल करती है हमारी सिप यानी कि जो बोट्स हैं, और वहाँ से चाइना वाले निगरानी हम पे रखते हैं। अभी कुछ एक आर्मी वाले जवान यहाँ पे खड़े हुए थे, उनसे बातचीत कर रहे थे हम, अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। उन्होंने बोला जो रियल पॉइंट है 3 डेट वाला वो नीचे है, अभी हम वहीं जा रहे हैं। अरे देखो सबने अपना अपना धंधा बनाया होता है, रुके हुए थे वो भी एक पॉइंट था जो लोगों ने बना रखा था भाई अपने बिजनेस के तौर पे। अभी गाड़ी को नीचे उतारते हैं, दिखाते हैं आपको नीचे का व्यू। फाइनली भाई ये आ गया है 3 इडियट मूवी वाला पॉइंट पैंगोंग लेक का। भाई देखा कैसे पैंगोंग लेक फेमस हुई है, एज बिकॉज ऑफ 3 इडियट मूवी करके ही लोग यहाँ पे आते हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, पैंगोंग लेक से हम भी फेमस होंगे। आज कसम से आज थक गए, आज हमने गाड़ी चलाई है 226 किलोमीटर कंटिन्यू। कैसा लगा हमारा ड्राइविंग स्टाइल आपको? अभी लद्दाख पुलिस है यहाँ के, जो थोड़ा बहुत ना पता सदा करना था कि भाई यहाँ पे गाड़ी लगा सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने बोला आप गाड़ी लगा लो पर ज़्यादा जो है हुल्लड़बाजी या ये वो सब चीज़ें मत करना। मतलब नहीं हम नहीं करते, और ये जो बाउंड्री है ना इसको क्रॉस मत करना, और ज़्यादा गाड़ी आगे ले करके मत जाना, क्योंकि क्या रहता है ना आगे गाड़ी ले जाती है फिर उसमें फंस जाती है, सैंड ड्यून्स जैसे वो है ना रेत रूत है उसके अंदर गाड़ी फंसने के चांसेस हो जाते हैं। तो उन्होंने एक और चीज़ बोली है, भैया कह रहा है आगे से देखो, इन्होंने एक और चीज़ बोली है कि भाई क्या नाम है, रात को यहाँ पे हवा बहुत तेज होगी तो आप अपनी गाड़ी ऊपर जहाँ पे इनका सेल है, पुलिस कंट्रोल रूम है, वहाँ पे आप लगा सकते हो। तो मैंने बोला कोई ना, मैं देखता हूँ क्या करना है। याक देखो यार नज़दीक से क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं ना, है बेबी हाउ यू मैन, ये देखो भाई, ओ भाई। अच्छा यहाँ पे बंद कर दिया हमने रोड,
अच्छा यहाँ पे बंद कर दिया भाई, अभी लास्ट ना गाड़ियाँ फंसी थी लोगों की, तो यहाँ से जाने नहीं दे रहे, और सही भी है यार। तो फाइनली भाई अभी हम हैं पैंगोंग लेक में और यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है और हमारा जो चूल्हा है वो सेटअप हो चुका है। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज, यहाँ पे एक लद्दाख पुलिस थी तो एक क्या लद्दाख पुलिस वालों से हमने पूछ लिया कि यहाँ पे जो है खाना बना सकते हैं और रह सकते हैं रात को, तो उन्होंने बोला कि भाई कोई चक्कर नहीं है आप रह लो रात को। ये देखो इधर भी दिखाओ भाई, भाई आफ्टर स्पीति के बाद आज फर्स्ट टाइम ये खाना बन रहा है और फील अमेजिंग है भाई, अपने हाथों का बनाया फर्स्ट टाइम खाना खा रहा हूँ भाई इस ट्रिप पे। वैसे तो अभी आने वाले 7-8 दिन और थे जब हमने खाना बनाना था, पर चलो कोई ना भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं तो बच्चे के लिए होता है। और सामने है पैंगोंग लेक का नज़ारा भाई, सुबह उठते ही आपको पैंगोंग का नज़ारा दिखाएंगे भाई, मॉर्निंग भाई सुबह उठते बस भाई कितना तेज दबाना और वो ओके रिपोर्ट है। मैं तो सुबह तक ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाता मैं, बस ओके था ओके सॉरी बोलो सॉरी सर ओके बस थोड़े देर बाद ना ये धोने भी बंद कर दे कैमरा पे। याद है हमने ये धनिया हमने कहाँ से लिया था भाई, धनिया भी हम घर में भूल गए थे इस बार, तो धनिया डालना बहुत जरूरी रहता है भाई, पता क्या होता ठंडा होता है ये, इसकी तासीर ट्रैवल के दौरान क्या होता है, इतना मत पाएगा कि दूसरे पापा को नहीं। चल ठीक है पापा बड्डे वाला पा धनिया और ये क्या वो कहाँ गया जीरा, तो हमारे जीन्स में है भाई ये, वो दूसरा कहाँ गया जीरा ये या थाले। डब्बा तो क्या डालना है भाई, भाई अपना खाना अपना है, हाइजीनिक और एकदम तंदुरुस्त खाना, और किसी को खाना है क्या, चलो ब्रेक खाएंगे। अरे हमने भाई डंगर गल करे करे यार, पता डर तो लगा सुपर ये ना होते नहीं होता यार, ना होते नहीं यार, बंद कर पाए चुत कैमरा क्या हो गया गड्डी देख ले ठीक है श्रीवनी और सारे ऊपर ऊपर ये इतिहास से आए क्रोमत्रा जिक्र भ्रमण फिर जी तू मैं तो जाई आउना तू सजाई आ बंद कर कैमरा भाई तू सजाई आ भूख गया थे तेरा लगता पाओ अगला सामान तुड़का मैं लाया करा ऑटो मैं लगाऊं भाई तू से बनाई करते खराब काम आलू दे सादा खाना लग रहा बनता बंद कर मेमोरी भूख जानी है तेरी। तो भाई पैंगोंग में खाना बनाने का जो मजा है ना वो नेक्स्ट लेवल है, ये बीच बीच में ना थोड़ा सा मन क्लोल कर देता है फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, नमक आया ये रहा मजाक कर रहा था मुझे पता है नमक यही है भाई, हमारा जो खाना है ना वो नॉर्मल बन रहा है तो सच्ची भाई मैं पका हुई है हमारा नॉर्मल खाना है, इसमें प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डाला, टमाटर तक नहीं डाले हमने भाई, क्योंकि ये है हमारा नॉर्मल खाना ठीक है, नमक ज़्यादा नहीं डालना वैसे इतना काफ़ी है ना, क्योंकि वैसे भी जो अपना पैंगोंग लेक है ना ये पैंगोंग लेक वैसे खा रही है तो ज़्यादा नमक नहीं खाते भाई, हाथ ऐसे ऐसे भी नहीं करे जा रहे, नीचे चंडीगढ़ में टेम्परेचर है भाई 42 डिग्री और यहाँ पे माइनस चला जाएगा मुझे लगता है रात को। हाँ भाई जाना बस हो गया, अब चावल डालने इसके अंदर बस का खाना सेट है, फिर उसके बाद एक एक कॉफ़ी पियेंगे। ओए मजा, शाम के 7 बजे हैं और ये हमारा खाना हो रहा है रेडी, आलू पुलाव है नॉर्मली, ये सारा सामान अंदर करते हैं अभी, ये आलू प्याज उसका पूरा कंटेनर है, तेल हमने अभी डाल दिया गाड़ी में, डीजल पूरा फुल कर दिया, ये टंकियाँ पड़ी भाई इनकी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, अभी सारा का सारा सामान क्लोज करते हैं और अंदर, उसके बाद सुबह आपको दिखाएंगे यहाँ पे पैंगोंग लेक का नज़ारा, और वो जो सामने आप देख पा रहे हो ना ये वहाँ पे हट्स बनी हुई है, वहाँ पे आप स्टे आउट कर सकते हो रात को, बट वैन नहीं हमें रात को वहाँ पे नहीं रुकना था, हमें यहीं रुकना है भाई, अपना सेटअप यूज़ करेंगे, वैसे तो हमने भाई यूजली अपना ही सेटअप यूज़ करना था बट जो थोड़ा सेंसिटिव एरिया थे वहाँ पे हमने सेटअप यूज़ नहीं किया, अभी जस्ट यहीं पे खाना वाना खाएंगे और उसके बाद गाड़ी के अंदर चलेंगे, ये थर्ड सिटी आने वाली है उसके बाद हमने साफ़ सफाई करनी है और सीधा अंदर भाई डेटा कॉपी करना है, सारा डेटा फुल हो चुका है। भाई फाइनली हमारा खाना जो बन के तैयार है, कैसा लग रहा है गाइस, सिंपली पुलाव है जो उसने कश्मीरी पुलाव खिलाया था ना उससे उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा है, ये खाते हैं भाई, नहीं सारे डाल देते हैं, काम खत्म यार, पता क्या है
ऐसे खाना वेस्ट नहीं करना है। और अभी ना ये दो मिनट में ठंडा हो जाएगा अगर जल्दी से नहीं खाया तो। मेरी गलत सुन मैंने भ्यागा खा लेना था, ज्यादा नहीं हुआ डेढ़ बताओ भाई टाइम डेटा 9:27 हो चुके हैं और गाड़ी की है मैंने अभी स्टार्ट क्योंकि बैटरी थी नहीं लैपटॉप में और डेटा ट्रांसफर करना मेमोरी कार्ड वो हो चुके हैं फुल। यहाँ पे हमने खाना वगैरह खा के हम आ चुके हैं। सेटिंग भाई पता नहीं कैसे 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 ही हुई है और जैसे भी हुई है हमने कर दी है। आज का अगर आपको ब्लॉग इतना सा पसंद आया ना तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। पेंगोंग लेक का जो नज़ारा है वो आपको हम सुबह दिखाएंगे, रात को तो भाई कुछ दिखा नहीं सकते थे।